जैन दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं पुलिस भर्ती के बारे में, 2020 में जो पुलिस की भर्ती होने वाली है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने आपको थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है ऑल ओवर इंडिया के लिए होने वाली है, यानी किसी भी राज्य से कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन आप सभी से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा वीडियो देखने के बाद ही कोई कमेंट या कुछ भी डिसीजन लें। तो देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कोई भी पुलिस की वैकेंसी नहीं होती जो कि ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत के अभ्यर्थियों के लिए हों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पुलिस की जो भर्ती होती है वो स्टेट की भर्ती होती है, यानी राज्य सरकार द्वारा निकाली जाती है, और हर एक स्टेट में अपनी अपनी पुलिस होती है जो कि एक राज्य के लिए निकाली जाती है। हालांकि उसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए एक रिजर्वेशन होता है, यानी एक कोटा होता है जिसके अंतर्गत अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में आप देखेंगे, आपको हर 2 से 3 दिन में एक न एक वीडियो देखने को मिल रही होगी कि पुलिस भर्ती ऑल ओवर इंडिया। ऐसा थंबनेल मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप सभी इस चीज़ को देखें और समझें, इस चीज़ पे सोचें और विचार विमर्श करें ताकि ये क्या चल रहा है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ऐसी वीडियो आप सभी के सामने आ रही है जिसमें आप सभी को बताया जा रहा है कि पुलिस की भर्ती निकली है 2020 में, जिसमें 48,000 कुछ पद हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, महिला पुरुष दोनों पूरे भारत से। तो देखिए, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि ये वैकेंसी एकदम फर्जी है, कोई भी ऐसी वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में नहीं निकलती है और ना ऐसी कोई वैकेंसी निकाली गई है। अगर ऐसी कोई वैकेंसी निकलती भी है तो वो राज्य सरकार द्वारा निकाली जाती है। जैसे मैं बात करूं, अगर वैकेंसी होगी यूपी पुलिस की होगी, राजस्थान पुलिस की होगी, बिहार पुलिस की होगी, लेकिन ऐसी कौन सी वैकेंसी है कि केवल पुलिस भर्ती, तो कौन सी स्टेट की भाई, कहाँ पे कौन सी वैकेंसी, नथिंग, कुछ भी नहीं, केवल फर्जीवाड़ा। तो मैं आप सभी को बता दूँ, ये लेवल इतना ऊपर पहुँच चुका है कि बहुत ज़्यादा, उसके रिस्पॉन्सिबल हम और आप हैं। उसका रीज़न आप सभी जानते हैं, ऐसी वीडियोस पे बहुत भारी मात्रा में व्यूज़ आते हैं तो लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसी वीडियोस बनाते हैं और व्यूज़ से अपना जो भी है वो करते हैं। तो आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन से बचना है जो आपको फेक न्यूज़ देते हैं। अगर आप देखते होंगे कंटिन्यू ऐसे चैनल पर फेक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहती हैं, आप रेगुलर कमेंट भी करते हैं, बताते भी रहते हैं कि ये चैनल हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बाद भी आप उसके चैनल पर जाके विजिट करते हैं और वीडियो देखते हैं, तो उनका पर्पस आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने या कुछ भी नहीं है, उनका सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप उनके चैनल पे जाएं, विजिट करें और वीडियो देखें, और वो काम आप रेगुलर कर रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए हम रेगुलर यहाँ पे ऐसी वीडियो बनाएंगे, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई भी वीडियो बनेगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि कोई पैरामिलिट्री, BSF, ITBP या पुलिस, किसी की भी भर्ती के बारे में बताया जाएगा, अगर वो फर्जी होती है तो मैं तुरंत आप सभी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि ये फर्जी एकदम गलत है। तो उसमें आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आगे आएंगे और इस चीज़ में मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसी वीडियो को मैक्सिमम टाइम शेयर करें ताकि हर एक अभ्यर्थी तक ये पहुँच पाए और वो लोग इसके बारे में जागरूक हो पाएँ कि ऐसी वैकेंसी केवल फर्जी है। क्योंकि देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, YouTube एक ऐसा माध्यम है जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में संसाधनों की कमी है, वहाँ पे YouTube के माध्यम से हम जानकारी उन तक पहुँचा सकते हैं जहाँ पे ऐसी सुविधाओं का अभाव है। लेकिन इस चीज़ का क्या हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, गलत जानकारी दी जाती है, मिसगाइड किया जाता है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी जानकारी नहीं होती, वो साइबर कैफे चले जाते हैं, पूछते हैं सर इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करें, इसकी वैकेंसी निकली हुई है। मेरे दोस्त, ऐसी कोई वैकेंसी निकली ही नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो ऐसे चैनलों से आपको खास करके बचना है। अगर वो एक बार इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं तो दोबारा कोई भी वीडियो अपलोड करें, आपको अपना टाइम देने की या उस वीडियो को देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि मैं किसी चैनल वाले के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं काम करना चाहता हूँ स्टूडेंट के हित में और वो मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस चीज़ में मुझे सपोर्ट करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करें ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मैं जानता हूँ काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को भी डिसलाइक कर देंगे, भाई कोई बात नहीं, आपको जो करना है वो करें। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो उम्मीद करता हूं ये दी गई जानकारी आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ऐसी भर्ती और फर्जी के चक्कर में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ऐसी कोई भी भर्ती इस प्रकार से नहीं निकाली जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।